आर्टिस्ट कम्युनिटी के साथ मैं खड़ा हूँ, और एक्चुअली हमारी लड़ाई है उन लोगों से। अब आर्टिस्ट हमको भिखारी थोड़ी है भाई। फाइनली सब लोग जा रहे हैं, इतने सारे लोग, और यार ये पागल है क्या यहाँ। ऑलराइट सो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग, मेरा नाम है विजय शर्मा, यू आर वॉचिंग विजय शर्मा ब्लॉग। सो डूड, अभी आ गए हम यहाँ पे कहाँ पे, धून लव में। सो घंटाघर से थोड़ा सा आगे, एंड यहाँ पे सारी आर्टिस्ट कम्युनिटी आ रही है। एक्चुअली क्यों आ गए यहाँ पे, किस लिए आ गए, धीरे धीरे आप लोगों को पता चलता रहेगा। अभी मैं आप लोगों को सबसे पहले भीड़ दिखाता हूँ यहाँ पे कि कितने लोग आए हैं और कितने लोग आ रहे हैं। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, और धीरे धीरे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और एक्चुअली हमारी लड़ाई है उन लोगों से, वहाँ से कोई, और यहाँ का जो मामला हुआ था ये कुछ अभी आप लोग को सब बताता हूँ कि क्या हो रहा था, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब कुछ पूछना चाहूँगा। आप यहाँ क्यों आए? यहाँ पे एक मुद्दा चल रहा है आर्टिस्ट के, उससे कि उन्होंने बदतमीजी से बात करी हमारे साथ। बिल्कुल, जो कि गलत है। आर्टिस्ट से कोई बदतमीजी से बात कर नहीं सकता, एक्चुअली हमारी भी अपने राइट्स है। वी वांट जस्टिस, या यू वांट जस्टिस, एवरीवन वांट्स जस्टिस, इसलिए हम यहाँ पे हैं सब लोग। सो बहुत सारे लोग आ गए, सारे के सारे आर्टिस्ट इनमें से। और यहाँ पे मुद्दा अभी अरुण भाई से ही जानेंगे हम कि क्या हुआ था। अभी आ रहे हैं, फिर सब लोग चलते हैं एंड देखते हैं। सो डूड, फाइनली हुआ क्या था, जानते हैं अतुल भाई से, इज अ डांसर, ये हरुणाव एकेडमी में सिखाते हैं डांस वर्ल्ड में। सो गाइस, हुआ ये था कि हम यहाँ पे वीडियो बना रहे थे हरुण सर की, तो यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड वाला हमें मना कर रहा था वीडियो बनाने से, ठीक है। तो और ऊपर से बदतमीजी से बात कर रहा था हमसे, यहाँ का बदतमीजी से बात कर रहा था हमसे, तो इसलिए हमने जितने भी आर्टिस्ट हैं देहरादून के सबको यहाँ पे बुलाया है, और उस मैनेजर की खबर लेने के लिए आ रखे हैं हम। आप देखो अभी क्या होता है सारा हंगामा, आपको आपको लगता क्या गलत क्या क्या उसने? गलत ये है कि प्यार से बात नहीं करी। हम आर्टिस्ट हैं, हमको भिखारी थोड़ी है भाई, हम आर्टिस्ट है, रियल आर्टिस्ट है। और हमेशा मैंने सुना बहुतों के साथ ऐसा होता है, सबके साथ होता है ऐसा, सबके साथ ही होता है, लेकिन आपके साथ भी होता है। एक बार आवाज उठाई है देहरादून की, देहरादून में ये इतना गंदा मामला चल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता, तो आप सब बताओ। इट्स नॉट नॉर्मल इशू ब्रो, बहुत बड़ा इशू है ये। अब आप देखो क्या होता है, अब हम रुकने वाले नहीं, पूरी आर्टिस्ट कम्युनिटी बाहर खड़ी है, पूरी इंडिया, हजार दो हजार जाम लग गया। आओ आओ। चलो, महिपाल आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, किन की जीत हो सकती है, मतलब आर्टिस्ट, रियल आर्टिस्ट, या मिनट में हमारे साथ पूरी पावर है। इधर मेरी बात सुनिए, 10-15 मिनट, आर्टिस्ट कैन डांस, आर्टिस्ट कैन सिंग, आर्टिस्ट कैन एक्टिंग, ये कोई और बंदा कर सकता है क्या? ना, ना, कोई इतनी मेहनत से कर रहे हैं, मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, देखता हूँ कौन रुकता है, कौन रुकता है, कौन रुकता है, बना रहे हैं। छोड़, बीएमडब्ल्यू निकाल। सो गाइस, यहाँ पे बीएमडब्ल्यू हमारी भी होगी एक दिन, अभी लेंगे, अभी लेंगे, अभी पूरी भीड़ इकट्ठा हो रही है, दो मिनट रुक जाओ, अभी नीचे से ऑर्डर आ जाए, अभी पूरा इकट्ठा हो रहा है, अभी आपको सबको टैगर भाई दिखाएंगे, देखते रहो सारी ग्राउंड लेवल। यहाँ पे आएंगे अपन लोग, यहीं पे खड़े होंगे, यहीं पे बैठेंगे जब तक हमें, या तो भाई तुम लिख दो यहाँ पे कि यहाँ पे फोटो खिंचाना मना है या वीडियो बनाना मना है, या तो तुम एक बार लिख दो, हम मान जाएंगे, कोई भी नहीं दिखेगा, कोई ना, ये लोग लिख रहे हैं, लोग को यार पता क्या चलेगा। अब तुम बोल रहे हो नीचे खाई है, आदमी गिर गया मर गया, कोई बताएगा ना कि नीचे जाना मना है, खाई है कोई, तो यहाँ फोटो खींचना मना है, भी प्रैक्टिकल है यार। फाइनली सब लोग जा रहे हैं, इतने सारे लोग, और दे ऑल आर आर्टिस्ट, और बहुत सही काम कर रहे हैं, और आज देखते हैं जीत किनकी होती है, इनकी या हमारी, और वीडियो बनाते हुए चल रहे हैं, देखते कौन मना करता है वीडियो बनाने से। सो गाइज, हाउ इज योर जोश? गुड, लगे रहो। सो कैमरा खुला हुआ है सबका, एंड मैं मास्क लगा लेता हूँ, मैं चले, क्या लगता है क्या होगा, सब लोग जा रहे हैं। सो अंदर चल रही मीटिंग, लोग सब लोग अंदर गए, प्यार से समझा रहे हैं, बिल्कुल देखते हैं बट विल हैपन, ये तो हमेशा सच की होती है, तो होनी भी। आर्टिस्ट कम्युनिटी के साथ मैं खड़ा हूँ, कोई मना कर नहीं सकता, पूरी बाहर खड़ी है, मैं सरकार के पीछे पड़ जाऊंगा। अभी हरुण भाव बात कर रहे हैं, वहाँ पे मीटिंग चल रही है इनकी, और अंदर चल रहा है मेन, अब देखते हैं क्या होता है, व्हाट विल हैपन, बट जो रॉन्ग है सो रॉन्ग है, रॉन्ग है तो रॉन्ग है, बिल्कुल, तो रॉन्ग को साथ छोड़ना है। भाई क्या करते हो तुम? डांसर हो, कितना इम्पोर्टेंट डांस,
बहुत ज़्यादा। अब आप अपना टैलेंट नहीं दिखाओगे तो और क्या दिखाओगे? यही तो है अपने पास, जो चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ लोगों को। यार ये लोग ऐसे क्यों हैं, क्या हो जाएगा उनके यहाँ अगर थोड़ी वीडियो बना लेंगे या कुछ कर देंगे? तो मेरे को भी नहीं पता, अब ये लोग क्यों मना करते हैं। आर्टिस्टों को सपोर्ट करना चाहिए यार, इन्हें तो सपोर्ट करना चाहिए यार, पूरा सपोर्ट करना चाहिए। अभी हरुण भाई जा रहे हैं अंदर। अभी तो हूँ डांसर, मुझे भी पूछ। तो यहाँ पे यार महिपाल अपना सच बता दिल से, क्या कर रहे हैं, कुछ गलत किया उन्होंने? गलत किया भाई, प्यार से बोल सकते थे वीडियो मत बनाओ तुम यहाँ पे। सही बात है, बिल्कुल गलत हो रहा है यार ये। तो यार गलत हो रहा है भाई, क्या लगता है आप लोगों का यार, सही कर रहे हैं हरुण भाई की नहीं कर रहे हैं? भाई सही कर रहे हैं पूरे एकदम। यार किसी को तो लेना पड़ेगा ना एक्शन। हम लेंगे एक्शन, तो काम नहीं चलेगा ना भाई। वही तो यार, डांस अपनी वो है यार, आर्ट है, इसके बिना रह नहीं सकते एंकर हम। या तो तुम लिख दो वहाँ पे कि सख्त सख्त मना है, हमें बेइज्जती कराने का शौक थोड़ी है। अब जा रहे हैं वहाँ, बदतमीज से बात कर रहे हैं, ये गलत है। गाली दे रहे हैं उल्टा, बहुत ज़्यादा बेकार है। सो ये नहीं करना चाहिए यार इन लोगों को। अभी मीटिंग हो रही है वहाँ पे, सो अभी हमें अंदर जाने के लिए मना किया है, वीडियो शूट करने के लिए डर गए शायद। अब देखते हैं क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है। सो गाइस फाइनली अभी अंदर जाने के लिए मना कर दिया है, एंड वहाँ पे जो मेन लोग हैं ना, जैसे हरुण भाई हो गए और ये मतलब जो भी उनके साथ वाले हैं, तो वो अंदर जाके मीटिंग कर रहे हैं, और अपन लोग क्या कर रहे हैं कि वेट कर रहे हैं उनके बाहर आने का। एंड ये मामला क्या हुआ था, क्यों ऐसा हो रहा है, इसके लिए यार ये हरुण भाई बहुत अच्छे से बताया उन्होंने एक वीडियो में, तो इसके बाद मैं वो वीडियो दूंगा आपको, आप वो वीडियो देखिए एंड समझिए कि मतलब क्यों यहाँ पे लोग आए, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये सही है गलत है, अपनी राय जरूर दीजिए। एंड जो भी चैनल पे नया है प्लीज सब्सक्राइब चैनल, अगर आपको ये कंटेंट थोड़ा भी ठीक लगे, आपको सही लगे। तो भाई ये मुद्दा हल्का नहीं है, ये मुद्दा बड़ा है। जो मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं ना आर्टिस्ट लोग, पहले से वो सच निकला। पहले मुझे बोला जाता था कि भैया यहाँ पे हमें भगाया जा रहा है, हमारी बेइज्जती करी जा रही है, मैं यकीन नहीं मानता था। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता देहरादून में। फिर हमने खुद हम गए, मैंने नोटिस किया, पैसिफिक मॉल में पहले तो मना किया, और वो भी बदतमीजी से करते हैं मैनेजर यहाँ के। उसके बाद फिर हम चाय सुट्टा बार, जो है जहाँ पे खुला हुआ चाय सुट्टा बार वाला एरिया, जो एंटरटेनमेंट एंड फूड सिटी है, जहाँ पे टी लॉजी चाय सुट्टा बार है, ये इस वाली जगह पे हम गए। यहाँ के मैनेजर के बारे में मैंने कंप्लेंट सुनी थी पहले, क्योंकि वहाँ पे पहले मुझे बच्चों ने बताया था, मेरे जो काफ़ी स्टूडेंट वगैरह हैं देहरादून में, कि भैया यहाँ पे भी आर्टिस्ट को बदतमीजी से भगाया जाता है, और वीडियो खाना खाने के टाइम पे बढ़िया पैसे लेते हैं वो, और जैसे वीडियो बनाने का टाइम आता है वो भगाते हैं सिक्योरिटी गार्ड। चलो भी सिक्योरिटी गार्ड भगाएं, वो बात अलग है, बदतमीजी से उसका मैनेजर पर बात करता है, गालियां देता है। मैंने कहा यार ये बात तो गलत है। फिर मैं चेक करने गया तो उसने सेम वही बिहेव किया, सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि तुम नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है, मेरे को मैनेजर से परमिशन लेनी पड़ेगी, मैं बात करने गया। तो जैसे ही मैं बात करने गया तो वो बोलता है कि मैं किसी आर्टिस्ट की इज्जत नहीं करता। अब भाई चाहे डांसर हो, चाहे सिंगर हो, चाहे मॉडल हो, चाहे एक्टर हो। मेरा दिमाग घूम गया भाई, मैंने बोला तुम कैसे बात कर रहे हो यार, ये तो बदतमीजी वाली बात है। कह रहा मैं बदतमीज हूँ, तो मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, आर्टिस्ट कम्युनिटी हो चाहे कोई हो। तो मेरे भाई आर्टिस्ट कम्युनिटी वालों, ये बात इज्जत पे आ गई है। लॉकडाउन लग जाए तो हम परेशान, हमें कुछ नहीं मिलता, ठीक है, एकेडमी बंद हो जाती है, उसके बाद क्या काम करें? वीडियो का बना के कैसा कमाना चाहे, तो रोड पे जाए वीडियो बनाने तो जाम लग जाएगा, पुलिस रोकती है, पार्क में लिखा हुआ वीडियो नहीं बना सकते, कहीं और गरीब बच्चा जाना चाहता है कहीं पे वीडियो बनाना, वहाँ पे उसे टिकट कटवाना पड़ेगा, उसमें पैसे तो है नहीं, वो वीडियो बना के बनना चाह रहा कुछ, वो कैसे बनेगा, ठीक है? उसे तुम बदतमीजी से भगा रहे, वो आर्टिस्ट है भाई, टैलेंटेड बंदा है वो, तुम्हारी औकात नहीं है उससे कंपेयर करने की बंदे से, क्योंकि वो टैलेंट है, वो तुम्हें वो करता है, एंटरटेन करता है वो, और तुम उसकी बेइज्जती कर रहे, गालियां दे रहे हो उसे। मेरे को ऐसे तीन चार सब ने बोल दिया, कितने बच्चों ने बोल दिया, तुम्हें ला के दिखा दूंगा मैं, सब बोल रहे यही चीज़ मेरे को कि हमें बदतमीजी से भगाया जाता है, कि आर्टिस्ट की इज्जत नहीं करते। ये है, ये चल रहा देहरादून में, ये तो देहरादून की बात है, पूरे इंडिया में ये चल रहा, और देहरादून में तो खास कर ये चल रहा। क्या है ये एंटरटेनमेंट सिटी? अबे हम खोल लेंगे अपनी एक जगह पर्सनल लेवल पे, मना करो सारे आर्टिस्ट आओ तुम वहाँ पे वीडियो बनाने, मतलब अगर बेचारे तुम्हारे यहाँ पे जाके वीडियो बनाएंगे तो कुछ खा भी तो लेंगे, खाएंगे तो तुम्हारे तो चलेगा, और तुम्हारा किसी का कुछ बिगाड़ तो नहीं रहे, तुम्हारी जगह अच्छी बनी हुई तो वहाँ पे जाके बना लेते हैं, बेचारे बेचारों की वीडियो चल जाएगी, गरीब बच्चों की, उनको दो पैसे मिल जाएंगे, तुम्हारा कुछ घिसेगा? लेकिन नहीं, तुम्हें बदतमीजी करनी है, तुम्हें बोलना है कि वहाँ के मैनेजर को ये बोलना है, जो मैंने खुद सुना मेरे सामने, उसने बोला कि हम आर्टिस्ट की इज्जत नहीं करते, जो करना है कर ले आर्टिस्ट हमारे, हम किसी मॉडल सिंगर डांसर सब हम तो वही है जो भी है, बाकी यार आर्टिस्ट जो भी है उनकी तो टैलेंट है। हम आ गए सुट्टा बार में तो चाय पीते हैं। हाँ ये चाय पिएगा, एंड मैं बता रहा हूँ यार ये पागल है क्या यार।